कहते हैं जब सड़क पर खाकी वर्दी में एक सिपाही खड़ा होता है तो लोग चैन की नींद सोते हैं। इस खाकी वर्दी पर लोगों को इतना विश्वास होता है जितना विश्वास शायद ही वो अपने जीवन में किसी पर कर पाते हैं। लेकिन इस खाकी वर्दी के पीछे कुछ ऐसे घिनौने चेहरे होते हैं जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है, और इस बार ये चेहरा देखने को मिला है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। खाकी वर्दी के नशे में चूर कुछ हैवान, इस इंसान को हैवान कहना बहुत गलत है, लेकिन इस वर्दीधारी की घिनौनी हरकत देख हमें मजबूरन इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक परिवार के साथ बाबरत कर रहे वीडियो में आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी एक बेबस पिता को पीट रहे हैं, तो उस बेबस पिता का बेटा वर्दीधारियों के पैर पकड़कर अपने पिता को छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे वीडियो की। इस वीडियो में एक बुजुर्ग माँ अपने बेटे को छोड़ने की गुहार लगा रही है। अपने बेटे को पिटता देख बदहस हुई इस बुजुर्ग महिला ने वर्दीधारियों का विरोध किया, तो एक लड़की जो खाकी वर्दी के नशे में चूर, जिसके सामने हर व्यक्ति अदना है, मानो कानून उसकी जेब में रखा है, ये वर्दीधारी लड़की बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मार रही है। आपको बता दें ये पूरा मामला पति पत्नी के बीच विवाद का है। पति द्वारा घर से निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस को साथ लेकर पत्नी पति के घर पहुंची। इस दौरान पुलिस घर में जबरन घुसने की कोशिश करती है, जिसका विरोध घर वाले करते हैं। उस समय मानो पुलिस खुद ही इंसाफ की देवता बन जाती है, जो मौके पर ही फैसला कर देती है कौन गलत है और कौन सही। पूरे परिवार को पुलिस बेरहमी से पीटती है। इस दौरान ना तो बुजुर्ग को बख्शा जाता है और ना ही बच्चों। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित सीएच रंजीलाल के साथ मारपीट करने वाले हेड कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल राजपाल को सस्पेंड कर दिया गया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करते हुए एडिशनल डीसीपी को जांच सौंप दी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी मारपीट कर रहे हैं। वर्दीधारी एक लड़की बुजुर्ग को थप्पड़ मार रही है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर। अब जांच की खानापूर्ति पर फोकस किया जा रहा है, जबकि पूरे देश में इस समय मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और दोषी पुलिसकर्मी साफ नजर आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया है, लेकिन आपको चुप रहना है। चुप्पी तोड़ी तो चिरंजीलाल जैसा हाल आपका भी हो सकता है, क्योंकि आप रामराज की सरकार की छत्र छाया में जी रहे हैं, जहां गलत को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ सब कुछ ठीक है।